याद रखो, हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। अगर लालच दे रहे तो ले लो, मिठाई खा लो, तो डकार लेकर बोलना नाम पत नाम तो पतंग पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ उससे मुतालिक आवाज उठा दी है, और इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी जो वक्फ की जमीन पे अपना घर बना लिया है उसको लेकर भी बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया है। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि लेकर रहेंगे, लेकिन क्या लेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो रियल मियां भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट डेली अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और जो लोग फेसबुक के हमारे न्यू पेज को फॉलो करें, ये न्यू पेज है, जो लोग अभी फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे बोलना चाह रहा हूं पहली फुर्सत में फॉलो कर लो, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं वीडियो। एक जीत गया तो क्या होता बोलेंगे, एक दो जीत गए तो क्या होता, तो उनको आप बोलना हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है, पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह, एक फारूक है, एक नहीं बल्कि अब के बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के। मगर ये लोग आएंगे आके आपके कान में जैसा इबलीस थूकता, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता क्या, ए देख ये मैथमेटिक्स ऐसा है, ये इत्ता। फिर बाज आके बोलेंगे तेरे को कितना चाहिए, बोल देता हूं। बहुत लालच देंगे, अगर लालच दे रहे तो ले लो, मिठाई खा लो, मगर 20 तारीख को डकार लेकर बोलना नाम पत नाम तो पतंग पे ही पड़ेगा बटन। कोई बात नहीं, मिठाई खा लो, मिठा खाना अच्छा है, बुरी बात नहीं है, मिठाई खाओ, क्या क्या खिलाते खाओ, मगर याद रखो तुमको 20 तारीख को पतंग को ही बटन दबाना है। तुमको जिस तरह इम्तियाज जलील को धोखा देकर शिकस्त दी गई, उसका जमहूरी तरीके से आपको यहां पर संविधान के दायरे में रहकर बदला लेना है। और फारूक शाह माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 5 साल में कितने 500 करोड़ लाया, 1300 करोड़, ये कौन सा वजीफा फारूक शाह पढ़ के आते नहीं मालूम। फारूक शाह 5 साल में 1300 करोड़ करा दिए। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वफ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रस्तान ले लेंगे, हम खानखा ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप, याद रखो हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे वो तुमको मालूम, 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे, धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे कोई बात है, मैं बीजेपी का हूं, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, अरे आप क्या बादशाह सलामत है, उंगली रखते कि मेरी हो जाती। अब वफ बिल का बोल रहे, हम मस्जिद ले लेंगे, मेरे को पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी मिले गलती से, वक्फ बिल के बारे में मेरे को बोले ए ओवैसी, मैंने पूछा बोलो प्यारे, बोले क्या तुम वक्फ बिल के बारे में इतना बोलते, अरे यार तुम जाके खेत में नमाज पढ़ते वो तुम्हारी वक्फ हो जाती, तुम बैठ के कुरान पढ़ते वो जगह तुम्हारी वक्फ हो जाती। मैंने बोला तुमको गलत है, तीसरा भी है कि, बोले क्या, मैं पार्लियामेंट में भी कभी कभी नमाज पढ़ जाऊं तो मेरी हो जाती क्या। बताओ आखिर बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए। अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में,
आप देखना बीजेपी आकर बोलेगी नहीं नहीं हम महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। हम पूछना चाह रहे ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट कहाँ गया, तो मोदी जी बोलेंगे यूसीसी ला लूंगा। जब महाराष्ट्र का मराठा पूछ रहा है, महाराष्ट्र का किसान पूछ रहा है, आज हम इतने परेशान क्यों हैं, आज हम इतने गरीब क्यों हैं, मखरूज क्यों हैं, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों लव जिहाद हो रहा है। आप बताइए महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रदेश मगर इसके बारे में बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, गोली मार कर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि तीन बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी उसको गोलियां मार देते हैं, छह छह गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं नहीं हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम, कहां है पकसल करने वाला? तो हर दो दिन को मीडिया में आता, पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है? महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों क्यों मारा गया, किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है, वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं नहीं हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है बीजेपी का नेता मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए उस पे केस तो बुक हो गया मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा? आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहरमती कर दी गई, आखिर क्या हुआ वहां पर, कौन है उसके पीछे? फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एक फुला शख्स है, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते मैं इनके साथ हूं। अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ हैं? बताओ शिंदे, कोई खड़े होकर अनाप शनाप बकता है, कानून उसके ताल्लुक से कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मजहब के बारे में अनाप शनाप बके, और सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है, वो है हमारे लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कोई एक्शन नहीं लिए, खाली एक रस्मी
केस बुक कर दिए और बोले नहीं केस बुक हो गया। जो मजलिस को बी टीम बोलते, कोल्हापुर का एमपी उनकी बहू, उनकी बहू ने विड्रा कर लिया, शिंदे को नमस्ते कर लिया, अब बी टीम कौन हुए बताओ, अब बी टीम कौन हुए बताओ आप। जिस शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बका, पूरे महाराष्ट्र में पूरे बड़े बड़े लोग थे ना, जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, जो अपने आप को मसीहा मानते हैं, जो कहते हैं कि हम है ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों डर रहे। मगर किसने एहतजाज बुलंद किया? कोई पार्टी आगे नहीं आई। अगर कोई आगे आया तो इम्तियाज जलील आगे आया। इम्तियाज जलील ने कहा कि हम जुलूस निकालेंगे, हम औरंगाबाद से बंबई जाएंगे। तो ये जो हमारे ओटों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो पीछे से भी वार नहीं करते, जो सिर्फ साजिश करते हैं, वो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही बयान दे दिया, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कहां से कोई गाड़ी लाकर आएगा, अरे ये तो मजलिस ने एक शोशा छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। लोग हमको भी फोन करके बोलते थे। मैंने उन नौजवानों से कहा कि जब तारीख का ऐलान हो चुका है, अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं। बात शुरू हो गए, नहीं नहीं मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है। और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब इम्तियाज जलील पीछे नहीं हटा, मजलिस पीछे नहीं हटी, और जब औरंगाबाद से काफला गाड़ियों का निकला, तो औरंगाबाद के पुलिस बड़े बड़े महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील को बोला कि सर क्या करना चाहते हैं आप। तो इम्तियाज जलील ने कहा कि देखो मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं नहीं आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग हैं। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोलेंगे, क्यों ऐसा उंगली उठा के ऐसा उंगली उठाते। मगर जुलूस गया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को। ये थे अब तक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और भी अपडेट्स के लिए रियल मी आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।